में पड़े छिंदवाड़ा में भाजपा का जोरदार झटका। बिहार में महागठबंधन का ऐलान, जाने कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। पिंपरी छिंदवाड़ा के सियासी गलियारों में गुरुवार को तब हड़कंप मच गया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता आजम भाई पानसरे के पुत्र निहाल ने भाजपा में प्रवेश किया। पानसरे बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रवादी हाईकमान शरद पवार ने मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र से राष्ट्रवादी के प्रत्याशी और अपने पोते पार्थ पवार के प्रचार के लिए पिंपरी छिंदवाड़ा पधारने के दौरान अपने पुराने करीबी पानसरे का हालचाल जानने के लिए उसके घर पहुँचे थे। उसके बाद आज उनके पुत्र ने राष्ट्रवादी का दामन थाम लिया। पटना, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस दौरान पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में व्यस्त है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का अब से थोड़ी देर पहले ऐलान हो गया। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।